ये जो कल्चर ऑफ वायलेंस जो हमारे स्टेट में है, पश्चिम बंगाल में है, इसको हमें खत्म करना है। ये कल्चर ऑफ वायलेंस है, ये कल्चर ऑफ वायलेंस कोई भी पार्टी आए रहता है, ये कल्चर को हमको खत्म करना है। इसके लिए मैं सबको थ्रू द मीडिया अपील करना चाहता हूँ कि ये वायलेंस को बंद होना चाहिए, और कोई भी करिए वायलेंस, पुलिस शुड टेक एक्शन। अगर मेरे पार्टी के किसी ने किया तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, अगर दूसरे पार्टी का भी किया तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं 6 तारीख के बाद तिपरा साहब के संग बैठे, चाय पिए, उठे, खाना खाए, घर में जाए, वैसा मैं एनवायरनमेंट चाहता हूँ। मैं इस इलेक्शन में एक दूसरे को मारने पीटने और गाली के लिए और पर्सनली किसी को गाली बकने के लिए नहीं आया। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है कि मैंने देखा है दैट त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट पतल कन्यास पार्टी ने 17 सीट में अपना कैंडिडेटशिप विड्रॉ किया है, बिकॉज उनका स्टेटमेंट है कि शी वॉन्ट्स मी टू बी द CEM ऑफ द TTADC, मेरे सपोर्ट में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी भी विड्रॉ किया है। आई वेलकम इट, इट्स अ गुड पॉजिटिव एटीट्यूड, हमने बात भी किया, वी वेलकम इट। और 5 सीट में शायद वो इंडिपेंडेंटली लड़ रही है। तिपरा मोथा को सिर्फ एक ही बात कहना है, वी आर फाइटिंग इन 22 सीट्स, पतल कन्या फाइटिंग इन 5 सीट्स। तिपरा मोथा उस 5 सीट्स में भी लड़ रहे हैं, हमारा सिंबल है पाइनएप्पल, उनका सिंबल कुछ और हो सकता है, लेकिन हम पब्लिक को एक ही बात कहना चाहते हैं कि लेट द पब्लिक डिसाइड हु इज द बेस्ट पर्सन, मे द बेस्ट पर्सन विन। लेकिन पब्लिक को भी सोचना चाहिए और हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस 5 सीट में अगर हमारा फाइट हुआ तो ये बेनिफिट कोई दूसरे पार्टी को, जो थंचा नहीं चाहता है, जो तिपरा के यूनिटी के बारे नहीं चाहता, उसको फ़ायदा ना हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैंने कहा है कि इवेंचुअली पीपल विल डिसाइड हु इज़ द बेस्ट पर्सन, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि तिपरा मोथा इज फाइटिंग इन दो 5 सीट्स, PPF इज फाइटिंग इन दो 5 सीट्स, और लेट द पीपल डिसाइड हु इज़ द बेटर पार्टी। लेकिन वी डोंट वॉन्ट दिस फाइट टू इंश्योर दैट अ थर्ड पार्टी विन्स दिस इलेक्शन, ये मेरा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट, मैंने देखा कि यहाँ में पर्सनल अटैक्स हो रहा है हमारे ऊपर, किसी ने शायद ये भी कहा है कि ये सिंबल को लेकर हम TSP से लड़ रहे हैं या तिपरा से लड़ रहे हैं। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर, TSP के संग हमारा मर्जर का टॉक्स हो गया है, और क्योंकि हम अभी तक ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो हम TSP के रजिस्ट्रेशन में ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। TSP ने हमें फुल परमिशन दिया है, चित्तू बाबू इनफैक्ट हैज़ गिवन इट इन राइटिंग टू द इलेक्शन कमीशन, और हम प्रोसेस में हैं एक पार्टी बनने के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे इवन INPT अभी भी TUGS का रजिस्ट्रेशन लेकर चलता है, हम भी TSP का रजिस्ट्रेशन लेकर इस इलेक्शन में सिंबल के लिए, एक सिंबल के लिए, कॉमन सिंबल के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारा सिंबल है अनारस और INPT का सिंबल है सौ, तो ये दो क्लियर बात है। इसको पब्लिक को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, पब्लिक को कंफ्यूज एकदम नहीं होना चाहिए। तिपरा मोथा 22 सीट में लड़ रही है, 23 सीट में लड़ रही है, और 5 सीट में INPT। TPF 17 सीट में विड्रॉ किया है अपना कैंडिडेशन, हम उसको वेलकम करते हैं फॉर द रीजन ऑफ फंक्शन, आई वेलकम पता कन्या सिंह। 5 सीट में वो खुद लड़ रही है, उस सीट में तिपरा भी लड़ रहा है, और हमने ये बात कहा है क्लियरली कि लेट द पब्लिक डिसाइड हु इज द बेस्ट पर्सन टू विन द इलेक्शन। ये मेरा शॉर्ट एंड ब्रीफ स्टेटमेंट है, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो मैं आंसर करता हूँ। सी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे इतना खराब नहीं लगा, लेकिन आज आई फील रियली बैड व्हेन आई सी अ ब्रदर फाइटिंग अ ब्रदर, अ तिपरासा फाइटिंग अ तिपरासा। मुझे कोई मैसेज करके कहता है कि यू आर द रीजन बिहाइंड द वायलेंस। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा है कि एक तिपरासा को दूसरा तिपरासा मार, तो मैं पहली बार, लेट मी टेल यू दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम टेलिंग माई तिपरा मोथा, डू नॉट रिएक्ट टू एनीथिंग। आई लव पीपल इन द IPFP, even if they're opposing us. Agar, I have a lot of respect for NC Nepal, I have a lot of respect for Mewar, I have a lot of respect for Bishnu people. I also am going to say for the first time that I have a lot of respect for Jitendra Chaudhary.
I have a lot of respect for my uncle, Vishnu Karta. I have a lot of respect for people in the Janjati Morcha. I have a lot of respect for people in the IMPT, which are my alliance partner, and in Tripura, because we are all Tripuras. And I have never wanted to get into politics where my community starts beating up my own community or any community. So I feel bad, I feel hurt. I never came to politics to beat up my fellow Tripuras or any other community. And I don't want this to be done in the name of election. इलेक्शन तो जैसे 5 years में एक बार होता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे को मारते हैं तो लोग हंसते हैं हमारे ऊपर. एंड आई थिंक रियली मैटर ये जो 5 से 2 नहीं, ये बीजेपी और आईपीएफटी के साथ फ्रेंडली अलायंस है, हमारा कोई वो नहीं है. टीपीएफ का अधिकार बनता है, दे रिजर्व द राइट, लेट मी यूज द वर्ड रिजर्व द राइट टू फाइट इन एनी सीट्स दे वांट टू, और वो लड़ रही है अपने तरीके से. लेकिन त्रिपुरा भी अपने उस 5 सीट्स में लड़ रहा है, और ये इसको फ्रेंडली फाइट सिर्फ बीजेपी और आईपीएफटी के बीच में हो रहा है. मैं वेलकम करता हूँ पतलकनिया ने 17 सीट में विड्रॉ किया है, लेकिन जिस 5 सीट पे पतलकनिया लड़ रही है उसमें त्रिपुरा मौथा भी लड़ रहा है. मैं वेलकम करता हूँ फॉर द सेक ऑफ ढांचा उसने किया है, लेकिन ये 5 सीट में त्रिपुरा मौथा जमीन में है और त्रिपुरा मौथा भी लड़ रहा है. उनका अधिकार बनता है वो 5 सीट पे कैंडिडेट डाले, लेट द बेस्ट पर्सन पब्लिक डिसाइड करेगी कि किसको जीते. मेरा प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है कि मैं देखिए मैं सच बात बोल रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता. मैं इमोशनली भी थक चुका हूँ और मेंटली भी मैं एक बात समझ चुका हूँ. जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था कि हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री बिप्लब जी के खिलाफ पर्सनल अटैक करें. मैंने कभी नहीं किया, आज भी नहीं करूँ. आज भी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि एनसी देवर्मा या मेवाड़ या आईपीएफटी के लीडर्स